सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं सोया चॉप स्टिक्स। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप सोयाबीन की दाल ले लीजिए, उसको रात भर भिगो दीजिए, फिर सुबह आप उसका पानी निकाल लीजिए। अब आप सोयाबीन ले लीजिए, उसको गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए। अब आप मिक्सी का जार ले लीजिए और जो हमने सोयाबीन की दाल भिगो के रखी थी उसको थोड़ा सा पानी डालकर पीस लीजिए। ध्यान रखिएगा, पानी जितना हो सके कम ही डालिएगा। जब दाल पीस जाए तो आप उसी जार में सोयाबीन को भी डालकर पीस लीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें नमक डाल दीजिए। अब आप मैदा ले लीजिए और इसमें डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, इसमें पानी नहीं डालना है। अब आप डो में से एक लोई निकाल लीजिए और मैदा लगाकर हल्के हाथों से इसको बेल लीजिए। अब आप इसके किनारे कट कर लीजिए। अब आप आइसक्रीम स्टिक्स ले लीजिए। अब आप इसको लंबाई की शेप में कट कर लीजिए और एक आइसक्रीम स्टिक लेकर उसके ऊपर फोल्ड करते जाइए। आप ऐसे सारी स्टिक तैयार कर लीजिए। अब आप पानी रख दीजिए बॉयल होने के लिए। जब पानी बॉयल हो जाए तो आप इसमें सारी स्टिक को डाल दीजिए और 10 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिए। जब एक स्टिक 10 मिनट के लिए बॉयल हो जाए तो आप ठंडा पानी ले लीजिए और सोया चॉप स्टिक को 5 मिनट के लिए इसमें डुबो दीजिए। जब 5 मिनट हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिए और इसको आप फ्रीज़र में एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकती हैं।